हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में हुई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा की। परिणाम घोषित होते ही लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। परीक्षा परिणाम 68.11% रहा है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में इस साल 104,323 विद्यार्थी बैठे थे। इनमें से 70,571 विद्यार्थी पास हुए, जबकि 5,617 की कंपार्टमेंट आई है। 27,197 विद्यार्थी फेल हुए। प्रदेश भर में 2,227 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। मेरिट में 23 लड़कियां 14 लड़के हैं। कुल मिलाकर मेरिट लिस्ट में 37 बच्चे हैं। कांगड़ा के तनु 690 अंकों 98.71% के साथ हिमाचल बोर्ड 10वीं 2020 की टॉपर बनी है। वहीं हमीरपुर के क्षितिज शर्मा 690 अंकों से 98.57% के साथ हिमाचल बोर्ड 10वीं 2020 के सेकंड टॉपर बने हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि इस बार लॉकडाउन के कारण परीक्षा परिणाम निकालने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन फिर भी बोर्ड कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा परिणाम तैयार किया। अध्यापकों ने अपने घरों पर ही पेपरों का मूल्यांकन किया। वहीं 8 जून को 12वीं कक्षा के भूगोल विषय का पेपर हो गया। अब जून के अंतिम सप्ताह में 12वीं का भी परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम इससे पहले ही आ जाते, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें देरी हुई है। तो रिजल्ट जो निकला पिछले साल जो रिजल्ट निकला था उसमें हमने 29 अप्रैल को रिजल्ट निकाल दिया था और उस वक्त परसेंटेज रिजल्ट का 60.79 रहा था और अभी जो परसेंटेज है वो 68.11% है। तो यानी एक साल में हाइक हुआ। इसके पीछे कारण जो हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि कारण क्या है कि रिजल्ट क्यों बढ़ा। पिछले साल हमने बहुत सख्ती की थी, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे और आज जो हमारे जो सेंटर जितने भी हैं सब में सीसीटीवी कैमरा थे। बच्चों ने मन बनाया कि हम किसी भी प्रकार की नकल नहीं करेंगे और नकल के मामले बहुत नेग्लिजिबल हैं। 7 लाख से ज़्यादा हमारी आंसर शीट्स थी, उनमें केवल जो आप ये देखें कि बहुत ही कम नेग्लिजिबल मामले थे, जिसमें कि 87 मामले केवल ऐसे थे अनफिरमेंट केसेस के थे 87, यानी 7 लाख से ज़्यादा। तो नकल का आंकड़ा बहुत कम हो गया है और इसके लिए शिक्षकों ने भी सहयोग किया है, हमारी भी एक रणनीति रही है और साथ ही साथ जितने भी प्रशासक वहाँ थे उन्होंने सहयोग किया है। एक सकारात्मक परिणाम ऐसा दिखता है कि बच्चों ने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया है। जहाँ तक मेरिट, हाँ मेरिट लिस्ट में 37 ऐसे विद्यार्थी पहले 10 स्थान प्राप्त किए हैं और पहले स्थान पर कुमारी तनु, फादर नेम तिलकराज, ये ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हार समलोटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है हमीरपुर का छात्र है क्षितिज शर्मा, और सन ऑफ गगन कुमार न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर और हाँ नंबर 2 का, और हाँ 690 अंक लिए हैं और नंबर 1 पर 692 अंक आए हुए हैं। तीसरे स्थान पर विद्यार्थी 3 रहे हैं, एक बिलासपुर से है वंश गुप्ता और कांगड़ा से है शगुन राणा और बिलासपुर से अगेन अनीशा शर्मा। ये पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट आपको जो 37 छात्र हैं जो पहले 10 में आए वो प्रोवाइड किया है।